सजाइए हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज है वंश का जन्मदिन और आज हम वंश का जन्मदिन मनाने वाले हैं। अभी थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं और फिर बाद में जाते हैं केक लेने। तो वंश को मैं जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। वंश, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे, थैंक यू बोलना चाहेंगे? थैंक यू, यू आर वेलकम। सो अब हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में केक खरीदने, लेकिन पहले कर लेते हैं थोड़ा नाश्ता। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस हम अभी बाजार मार्केट से घूम के आ चुके हैं और मार्केट से हम लेके आ चुके हैं यश के लिए केक, और सॉरी वंश के लिए केक, क्योंकि आज है वंश का जन्मदिन और आज हम मनाने वाले हैं उसे काफ़ी एंजॉय के साथ। और गाइस आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और वंश आप देख सकते हैं, वंश अभी गुब्बारे बुला रहा है और वंश की गुब्बारे साथ में हवा निकल चुकी है। देखिए कितना पतला हो चुका है ये, और यश भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है क्योंकि इसकी भी सारी हवा निकल चुकी है। और मैं भी अब गुब्बारे फुलाने देखता हूँ कैसे फूलते हैं गुब्बारे। मैंने तो आज तक नहीं फुलाए, तो कोशिश करता हूँ। फुलाओ भाई गुब्बारे, क्या हो गया? देखो कितनी ज़्यादा ताकत लगा रहा है गुब्बारे फुलाने में, फूट जाएगा। ज़्यादा मत फुलाए, मुंह पे ही फूटेगा मेरे भाई, बहुत खतरनाक होता है। देखो दोस्तों कितना हंस रहा है, इसने सारी हवा निकाल दी गुब्बारे की। देखो और गाइस आप देख सकते हैं अभी हमने थोड़े ही गुब्बारे फुलाए हैं और अभी हम काफ़ी और गुब्बारे फुला रहे हैं। अभी यश और वंश लगे हुए हैं, मैंने भी एक दो फुलाए। मेरा मतलब फुलाने मुझे फुलाते गुब्बारे बहुत डर लगता है यार, क्योंकि मुंह पर फूट जाते हैं, थोड़ा चोट लगती है इनसे, इसलिए मैंने नहीं फुलाए। यस और वंश दोनों लगे हुए हैं काफ़ी मेहनत के साथ। पिंक का है, पिंक कलर का गुब्बारा फुलाया था मैंने, वो रहा दूसरी साइड। ये पिंक कलर का गुब्बारा मैंने फुलाया था, कितना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने फुलाया है इसलिए अच्छा लग रहा है शायद, है ना। गाइस अभी हम ये गुब्बारे फुला लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको वीडियो में। और गाइस हमने सारे गुब्बारे फुला लिए हैं और ये यश ने सजावट की है, आप देख सकते हैं यश की सजावट, जो कि मुझे एकदम बिल्कुल बेकार लग रही है। मैं सच में इन्हें सजाने वाला हूँ गुब्बारों को, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से। और मेरी सजावट आप देख के बताना कैसी लगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सजावट कर दी है, और ये मैंने सजावट की है इस रूम की गुब्बारों से, काफ़ी अच्छी लग रही है। और बस अभी केक काटने वाला है, तो पहले ये तो जला दो, मोमबत्ती कहाँ गई? जला दी बस, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, ये वंश ने केक काट दिया है, तो वंश को अब केक खिलाते हैं पहले। एक बार और गाओगा ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वंस, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब लो अब आप मेरी वीडियो बनाओ, अब मैं से रुक तो जाओ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आप वहीं पे बैठो। अभी हम आ रहे हैं, अब मैं वंस को केक खिलाने वाला हूँ। कहाँ से करता है मुझे भी खिलाओ है, हम क्या खाली आ जाएंगे, इसमें से काफी खिलाओ नया, बाद में खा लेना चक्कू ये रहा। यहाँ से काट दो, कहीं से भी काट दो, जहाँ से आपका अच्छा हो। वीडियो भैया ऐसे बनानी थी, ये भूल रहे क्या आप? अब यस खिला है, यस ने इसके सर पर गुब्बारा फोड़ दिया है, और अब यस खिलाने वाला है अपने भाई को, प्यारे भाई को केक। तू ले
अभी दोनों लड़ने लगे हैं। सो गाइस यस का वंश का तो जन्मदिन मन चुका है, और अभी आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए दोस्तों बाय बाय।